हेलो दोस्तों, मैं अदनान एके कंस्ट्रक्शन से। मैं बताने वाला हूँ आपको कि अगर आप अपने घर में पेंट कराना चाहते हैं या पेंट करवाना है आपको, तो आपके घर में कितना बजट लगेगा, कितना खर्चा आएगा और कौन सी पेंट में कितना खर्चा आएगा, ये मैं तीनों चीज़ें बताने वाला हूँ। इसके लिए बहुत शॉर्ट में मेरे एक वीडियो बनाई है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका एरिया जो निकालना है ना, तो एग्जैक्ट एरिया तो हम पैमाइश करके पूरी मेजरमेंट लेके ही निकाल पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक रफली आइडिया दे सकता हूँ कि इतने पैसे में लगभग आपका घर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये कि अगर हमें पेंट करना है तो हमें पेंट करना कौन सा है, हमें मान लीजिए डिस्टेंपर करना है। आपके घर का जो एरिया है वो 100 गज में अगर आपका मकान बना हुआ है, तो 100 गज में अगर आपका घर है, मान लीजिए ये 100 गज में आपका एक प्लॉट है। ठीक है, ये प्लॉट हो गया आपका 100 गज में। ठीक, हमें करना क्या है, इसको 100 गज को 100 100, हमारा 1 गज में 9 फुट कुछ 9 पॉइंट कुछ फुट होता है, तो मैं एक मोटा मोटा लगा लेता हूँ 9 फुट मान लीजिए 1 गज में, तो 9 का ये 900 स्क्वायर फुट हो गया आपका कारपेट एरिया। ठीक है, 900 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया हो गया इसका, यानी ये सीलिंग एरिया भी हो गया ये। ठीक है, तो ये कारपेट एरिया 900 स्क्वायर फुट। अब हमें 900 को जो है वो 4 गुना करना है। ठीक है, 9 चौक 36, 3600 स्क्वायर फुट एरिया आपका। इसमें छत भी आ गई निकल के, सीलिंग और दीवारें भी सारी आ गई, सारा कुछ हो गया, इसमें डोर विंडो वगैरह सब कुछ आ गया। इसमें हम एक हिस्सा कम करते हैं, 900 फुट माइनस करेंगे। वो किस लिए करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि 900 फुट जो है हमारे डोर्स और विंडो हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पेंट कराना है ये आप बाद में है, पॉलिश करानी है, जो भी है। फिलहाल हमारी एरिया रहता है 2700 स्क्वायर फुट, लगभग 2700 स्क्वायर फुट एरिया बचा आपका, 2700 स्क्वायर फुट। अब अगर आपको डिस्टेंपर कराना है तो डिस्टेंपर का रेट है 10 रुपये स्क्वायर फुट। ठीक है, 10 रुपये से तो हमारा ये बनेगा डिस्टेंपर 10 रुपये से 27,000 रुपये का। ठीक है, 27,000 रुपये का हो गया। इसी चीज़ को अगर हमें 2700 फुट को प्लास्टिक पेंट कराना है तो हमारा ये एरिया हो जाए, फिर हमारा ये रेट रहेगा 15 रुपये। तो 15 रुपये प्लास्टिक पेंट का है, तो ये इसका रहेगा रेट हमारा लगभग रहेगा, तो हमारा ये प्लास्टिक पेंट का 15 रुपये से अगर हम रेट लगाएंगे तो इसका एवरेज आएगा निकल के 40,500 रुपये। ठीक है, ये हम 2700 फुट के जोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि 900 फुट हमने दरवाजे और विंडो में माइनस कर दिया था। अगर दरवाजे विंडो पे आपको यही पेंट कराना है डिस्टेंपर या प्लास्टिक, तो आपका रेट इसी में 900 स्क्वायर फुट एरिया अगर आप कर रहे हैं तो 9,000 रुपये का लगभग डिस्टेंपर बनेगा। प्लास्टिक पेंट कर रहे हैं तो 13,500 रुपये का बनेगा, तो वो इसमें प्लस हो जाएंगे 9,000 रुपये। ठीक है, और अगर आप इसमें पॉलिश करा रहे हैं अलग से, क्योंकि 900 फुट एरिया प्रॉपर नहीं है पहली बात तो ये, क्योंकि इसमें मैंने पेंट में इसलिए ले लिया क्योंकि इसमें ग्रिल भी इसमें है, विंडोज़ भी इसमें है, डोर भी है, चौखट भी है, सब इसमें आता है। लेकिन जब आप इसको अलग से स्पेशल नापेंगे तो ये 900 इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि मान लीजिए आर्च वाला किचन है, इसमें डोर नहीं होता है, कहीं स्पेस है, कहीं खुला हुआ है, तो उसमें ये एरिया नहीं मेजरमेंट होगा। तो इसमें मान लीजिए पॉलिश का अगर एरिया निकालेंगे आप, तो ये लगभग 600-700 स्क्वायर फुट बैठेगा पॉलिश का। ठीक है, पॉलिश का रेट जो है हमारा नई अगर पहली बार कर रहे हैं तो 40 रुपये स्क्वायर फुट रेट है, पुराना कर रहे हैं तो 30 रुपये स्क्वायर फुट रेट है, लेकर पॉलिश हैंड फिनिश वाली। तो इसका जो है हमारा 600 फुट अगर एरिया है तो 24,000 रुपये का एरिया बैठेगा ये, अगर नई है पहली बार हो रही है तो। हमारा ये पे कितना बैठा था, 27,000 रुपये, और ये बैठा 24,000 रुपये। 24,000 इसको तो अलग ही कर दीजिए, ये तो पॉलिश में रहने ही रहना है। अब ये 27,000 रुपये डिस्टेंपर के। ठीक है, और ये हमारे ये थे 40,500 रुपये, ये हैं हमारे प्लास्टिक पेंट के। ठीक है, इसी तरह से रॉयल करेंगे तो ये कॉस्ट और बढ़ जाएगी, इसका रेट हो जाएगा 25 रुपये स्क्वायर फुट। ठीक है, याद रहे इसमें टैक्स नहीं जुड़ा है, अगर आप पक्का बिल लीजिएगा तो टैक्स तो आपको देना ही देना पड़ेगा, और पक्का बिल तो देना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसलिए ये आपका लगभग घर का फाइनली नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा जाके, मेजरमेंट फाइनली एग्जैक्ट करना पड़ेगा तभी बताएंगे। लेकिन एक लगभग यही आइडिया रहना है, इसमें 1,000-2,000 रुपये कम ज़्यादा हो सकते हैं, इस ज़्यादा नहीं होंगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक डिसलाइक आप तय कर लेना।